The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. So dosto, aaj baat karenge migraine aur dusre teesre prakar ke सर दर्द के बारे में. सर दर्द लोगों को जिसको होता है उसी को पता है कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी घातक और कितनी असहनीय तकलीफ़ है. दिमाग का दही कर देती है बीमारी. हम समझते हैं आपकी विडंबना और आपकी तकलीफ़ को. हम खुद कई बार इस पर्टिकुलर बीमारी से और कई सारी बीमारियों से गुजर चुके हैं. सो बात आती है कि भाई हेडेक क्या है. जब सर के अंदर प्रेशर होता है और दर्द होता है तो ये भी बताना बहुत मुश्किल है कि ये किस प्रकार का, ये टिपिकल हेडेक है, साइनस है, ये स्ट्रेस हेडेक है, माइग्रेन है, ये क्या है. तो जब तक इलाज भाई, जब तक कारण नहीं पता चलेगा इलाज कहाँ से करोगे. सबसे बड़ी बात तो यही है. और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है आपका ये समझना कि भाई अगर हेडेक हो रहा है तो कॉमन हेडेक कौन कौन से है और साइनस हेडेक कौन सा, माइग्रेन का हेडेक कौन सा है. तो हमारी उम्मीद यही है कि हम आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में कारण बताएं और इन चीज़ों के बारे में हम आपको क्लियर करें कि भाई माइग्रेन हेडेक क्या है और दूसरा तीसरे प्रकार का हेडेक क्या है. तो पहले समझिए हेडेक क्या होता है. हेडेक मतलब सिंपल आपके अनप्लेजेंट सर के अंदर दर्द हो रहा है, जो या तो सिंपल प्रेशर हो सकता है, कोई दबा रहा है ऐसा, या तो फिर हो सकता है एकिंग मतलब एकिंग पेन, यानी कहीं से ऐसा लग रहा है चुई 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 हो रहा है, दैट इज दैट. उसके बाद पेन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. कभी कभी माइल्ड हो सकता है, कभी कभी बहुत सीवियर हो सकता है. और ऐसा पेन जो है कभी कभार फोरहेड पे आएगा, टेम्पल्स पे आएगा या बैक पे आएगा, कई बार बैक ऑफ द नेक पे भी आ सकता है. और एक कोई हेडेक अगर होगा तो कोई भी हेडेक 30 मिनट के आसपास भी रह सकता है और एक हफ्ते तक भी रह सकता है. ऐसे भी हेडेक होते हैं. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है, दैट इज़ नॉट माइग्रेन, दैट इज़ नॉट साइनस, दैट इज़ कॉल्ड टेंशन हेडेक. टेंशन हेडेक सबसे कॉमन है, जिसका कारण है स्ट्रेस, मसल स्ट्रेन और एनजाइटी. अगर आप बहुत टेंशन में है, चिंता में है, तो ये मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चले जाती है, एनजाइटी होती है और टेंशन हेडेक होता है. लेकिन ये अकेला नहीं. इसके अलावा अगर बहुत ही ज़ोरदार पेन हो रहा है, मतलब ऐसा कि किसी ने हथौड़े मार दिए हो, जो कि एक साइड से हो रहा है और एक साथ ऐसा क्लस्टर में आ रहा है, थोड़ी देर बाद थड़ दैट इज़ अ क्लस्टर हेडेक. इसका ये साइक्लिकल अटैक होता है, जो एक साइकिल आया, आज सुबह शाम, देर बाद, फिर कल सुबह शाम, दिन रात, फिर कई दिनों तक कोई दिक्कत नहीं. सो दैट काइंड ऑफ इज़ अ क्लस्टर हेडेक. साइनस हेडेक जो होता है ये माइग्रेन के साथ बहुत कंफ्यूज हुआ आता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि साइनस हेडेक और फीवर साथ में है, नाक बंद है, कफ है, खांसी है, कंजेशन है, या कई बार फेस में प्रेशर है. माइग्रेन अलग चीज़ है, माइग्रेन के बारे में बताएंगे. साइनस हेडेक के साथ आपको बेसिकली चेहरे के अंदर कुछ हवा भरी खाने होते हैं, यहाँ और यहाँ, मैस्टॉइड साइनस, फ्रंटल, फिर पीछे इथमोइडल, ऐसे फ्रंटल, ये मैक्सिलरी साइनस का काम है कि इसको हवा, स्कल को हल्का करना. हवा उसके अंदर से घूम घूम के आती है और उसके अंदर हमेशा फ्लो होता रहता है म्यूकस. जब वो म्यूकस ब्लॉक कर दे, गाढ़ा हो जाए, बंद हो जाए, तो वहाँ भर जाता है म्यूकस, इन्फेक्ट हो सकता है साइनोसाइटिस, एंड साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक. साइनोसाइटिस से कभी कभी दिमाग में भी इन्फेक्शन घुस सकता है. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसके अलावा कुछ और प्रकार हैं, जैसे चियारी हेडेक, जो कि बच्चेपन में होता है. वो चियारी मॉन नाम का एक मैल फॉर्मेशन होता है, जो छोटे बच्चों का बर्थ डिफेक्ट है. उसमें यह होता है कि स्कल जो है वो ब्रेन के कुछ पार्ट के अगेंस्ट दबा रहा है, उसके वजह से आपको बैक ऑफ द हेड में पेन होने लगता है बच्चों को. एक होता है थंडर क्लैप हेडेक. भाई नाम सुन के ऐसा, मतलब चमकी बिजली ठड़ाक, वो होता है थंडर क्लैप. वो थंडर क्लैक वाला हेडेक जो होता है सीवियर, मतलब सीवियर होता है, एक होता है वेरी सीवियर, ये है वेरी सीवियर वाला. और वो आता है भैया 60 सेकंड या उससे कम, एक मिनट से कम, लेकिन होगा ऐसा कि भाई बिजली चमकी है, कुछ तो हुआ है. वो होता है सब एरेक्नॉइड हीमोरेज का एक साइन हो, सिंपल सीवियर, वेरी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है. इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, सीटी स्कैन चाहिए. ऐसा कभी कभार स्ट्रोक या चोट लगने पे भी हो सकता है, या एन्यूरिज्म हो तो वो फूट सकता है एन्यूरिज्म, ऐसा कुछ हो थंडर क्लैट हेडेक, तो भैया जाओ अस्पताल और सीटी स्कैन कराओ.
माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन मतलब ऐसा इंटेंस सिवियर हेडेक जो के हेडेक के साथ आपको कुछ और चीजें आएंगी। माइग्रेन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये माइग्रेन, ये ओवर सेंसिटिव ब्रेन है, याद रखिए। ओवर सेंसिटिव ब्रेन का मतलब क्या है? यानी आपको ज्यादा तेज आवाज से भी दिक्कत होगी, ज्यादा तेज साउंड से भी दिक्कत होगी आपको, कभी कभी टेम्पररी एक तरीके से ब्रेन जो है बंद करो बंद करो ऐसा कुछ कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। दैट कैन, तो माइग्रेन के ट्रिगर होंगे। और माइग्रेन का एक ऑरा होगा। ऑरा, ऑरा का मतलब है जैसे बारिश आने से पहले बादल बनने लगते हैं, पता, अरे बारिश आएगी हमें पता चल जाता है, वैसे ही ऑरा माइग्रेन के पेशेंट्स को भी पता चल जाता है। माइग्रेन विथ ऑरा एक टाइप होता है, माइग्रेन विदाउट ऑरा ऐसा भी होता है। एक्चुअली माइग्रेन पे फुल डिटेल वीडियो है हमारा यूट्यूब पे, बट इसमें हम डिफरेंस बता रहे हैं। सो माइग्रेन में नॉजिया भी हो सकता है, देर कैन बी पेन बिहाइंड वन आई और ईयर और टेम्पल्स, वन आई के पीछे, ईयर के पीछे या टेम्पल्स के पीछे, और यू कैन इवन सी सम स्पॉट्स ऑफ लाइट, या कभी कभी विजन चला जाता है टेम्पररीली, और वॉमिटिंग भी हो सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है। तो अगर कंपेयर करोगे इसको दूसरे टाइप के हेडेक से, तो माइग्रेन मॉडरेट टू सिवियर होता है। कुछ लोगों को हेडेक इतना सिवियर होगा कि उनको इमरजेंसी जाना पड़ेगा, और कुछ लोगों को माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये पेन की क्वालिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग आती है, किसी को 2-3 दिन के लिए, किसी को लंबे समय के लिए, फिर माइग्रेन फ्री पीरियड रहता है। और माइग्रेन हेडेक जो है इंटेंस पेन, थ्रॉबिंग भी हो सकता है, और ये प्रॉब्लम ये होता है, इट कैन एक्चुअली हैम्पर कि आप अपना डेली टास्क, डेली काम ना कर पाएं, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। और दिस कैन बी, और क्यों नहीं, क्योंकि आपको हमेशा एक मेंटल अलर्ट रहेगा कि कुछ ना कुछ ट्रबल हो रहा है। देर आप फ्लैशेज ऑफ लाइट देख रहे हैं, कभी नमनेस हो रहा है सर में हाथ में, कभी अजीबो गरीब सी अनयूजुअल सेंस ऑफ टेस्ट, कभी अनयूजुअल स्मेल, अनयूजुअल टच। तो माइग्रेन इज बेसिकली ओवर सेंसिटिव ब्रेन, ब्रेन बस पगला रहा है ऐसा होता है। सो ओवर सेंसिटिव स्किन जैसे होती है, जैसे ही धूप में चले जाओ फड़ फड़ फड़ा, खुजलियाँ होने लगी, थपुले होने लगे, फोफोड़े आ गए, थोड़ी देर में अंदर आ गए तो अपने आप शांत हो गए, वैसे ही माइग्रेन को अगर तुरंत आपने तुरंत के तुरंत रिलैक्स कर दिया तो सबसे अच्छा था, वरना क्या कॉम्प्लिकेशन, डिप्रेशन आने लगेगा, इरिटेबिलिटी, नेक स्टिफनेस हो सकता है, कभी अनयूजुअल फ्रूट फूड क्रेविंग, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी ये कभी वो। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझना है कि माइग्रेन क्या है और ये क्या है। अब माइग्रेन के ट्रिगर जो है, कभी इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, कोई खुशी, कोई गम, किसी ने डांटा, किसी ने मारा, समथिंग लाइक दैट, कोई किसी ने, कोई ऐप बंद हो गई, कभी कोई झगड़े हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी अल्कोहल कैन बी अ ट्रिगर, मीनोपॉज कैन बी अ ट्रिगर, हार्मोनल चेंजेस, हर बार मेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा ली तब हो रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी अ ट्रिगर। अब ऐसे में क्या करें, किसी भी प्रकार का हेडेक है, आपको हेडेक को पहला काम है रोकना। याद रखिए अगर माइग्रेन है तो सबसे पहला इलाज है लाइट बंद करो, सब कुछ बंद करो, एक आराम से बैठो, लंबी लंबी सांस लो, रिलैक्स करने की कोशिश करो, ठंडा पानी पियो, सोने की कोशिश करो, कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा मस्त टेस्टी वाला खा लो और रिलैक्स करो। एवरी सेंसरी सेंसेशन को बंद करो, हर सेंसेशन जो आ रही है बंद करो, इट माइट गो अवे, राइट? दिस आर द फर्स्ट थिंग। फिर भी दिक्कत हो रही है, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल खा लो, कॉम्बीफ्लेम खा लो, आप ब्रूफेन खा लो, ऐसी चीज़ें खा लो, या ये चीज़ें एस्पिरिन भी ले सकते हैं, बट बी वेयर के एस्पिरिन से ब्लड पतला होता है, इस बात का ध्यान रखें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। मसाज भी करवा सकते हो रेगुलर बेसिस पे, मेडिटेशन करिए। ये क्यों, ये प्रिवेंट करेगी हेड नेक स्टिफनेस को, नेक स्ट्रेचिंग करिए, अपना कंधे का रिलैक्सेशन करिए, हीट थेरेपी कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशंस या वार्म शावर ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस और माइग्रेन के लिए भी। याद रखिए माइग्रेन के लिए आपको एक किताब बनानी होगी, अपने ट्रिगर्स को ढूंढना होगा, ट्रिगर्स को पहचान के बंद करेंगे। माइग्रेन को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे एक स्किन सेंसिटिव होती है किसी की और धूप से सेंसिटिव है तो वो गरीब को धूप से बचना ही पड़ेगा, वैसे ही आपको अपने माइग्रेन के ट्रिगर से बचना पड़ेगा। और ऐसा है, माइग्रेन को हम माइग्रेन के साथ एडजस्ट करके जी सकते हैं बहुत आसानी से। अब वो आपका सबसे पहला स्टेप आता है एक्सेप्टेंस, कि भाई मुझे, मेरा सेंसिटिव ब्रेन है और मुझे ये करना पड़ेगा। अगर आप करोगे ही नहीं, फर्स्ट स्टेप ही नहीं है, तो फिर आगे क्या है? जैसे पतले होने के लिए फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस, कि मुझे खाना कम खाना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कई लोग करते नहीं, ना तो ये करते ना तो वो करते, तो पतले कहाँ से होंगे। सो बेसिक फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा
कभी कभार दूसरी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन भी आती हैं जो डॉक्टर देंगे, कुछ बीटा ब्लॉकर्स, कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ज़रूरत पड़ने पे दी जाती है। इसके अलावा नौजिया की दवा, दवा दर्द की दवा, ट्रिप्टांस नाम की एक दवा होती है जो अगर किसी को रोज ही दर्द हो रहा है तो उसको दी जाती है कि वो दर्द महीने में जो 10 दिन 20 दिन से ज़्यादा ये दवाई नहीं खाते, याद रखें। सो ऐसी भी कोई सारी चीज़ें हैं माइग्रेन की जो आपको पता होनी चाहिए। माइग्रेन के लिए जाके मिलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट से। माइग्रेन इज़ एन एक्सक्लूसिव डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, दैट मीन्स सारी बीमारियां एक्सक्लूड करने के बाद आपका डायग्नोसिस बनता है माइग्रेन। सो बाकी सारी बीमारियां याद रखें। एक और चीज़ होती है रिबाउंड हेडेक, मतलब माइग्रेन हेडेक जो है हर महीने आता है, 10 दिन के लिए आता है, राइट। ऐसे भी रिबाउंड हेडेक भी आ सकता है फिर उसके वजह से। सो याद रखिए, हेडेक इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सबको होता है। अपना ख्याल रखें और इसके बारे में और जानकारी के लिए बाकी हेडेक वाले वीडियोस हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर करिएगा इसको। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।